हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे हमारा जो पेपर टू है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, उसका यूनिट टू। पेपर टू का जो यूनिट टू है, इसमें हम क्लाइमेट मेजर हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, यानी कि आबोहवा। भारत की आबोहवा कैसी है, ओके, इंडियन क्लाइमेट कैसा है। इंडियन क्लाइमेट की जब भी बात आती है तो एक स्पेशल वर्ड है जो हमें सुनने के लिए मिलेगा, वो है सब ट्रॉपिकल मॉनसून। ठीक है, कि इंडिया का जो क्लाइमेट है, आबो हवा जो है यहाँ की, वो हमें मॉनसून प्रकार की आबो हवा देखने के लिए मिलती है। मॉनसून से काफी वाकिफ हो आप लोग, और अभी मॉनसून का ही सीजन चल रहा है। ठीक है, तो मॉनसून के बारे में काफी कुछ पता है आपको। मॉनसून जो वर्ड है, ये अरेबिक वर्ड है मौसम, जिससे ये लिया गया है। और ये वर्ड अरब जो नेविगेटर्स थे, वो लोग मेनली ये वर्ड यूज करते थे। इसका अर्थ क्या है मौसम का, इसका है रिवर्सल ऑफ विंड्स, यानी कि हवा, एक हवा जो कि साल में दो बारी अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, दो बारी उसकी जो दिशा है, दिशा के अंदर परिवर्तन हमें देखने के लिए मिलता है, उसको हम मानसून विंड्स बोलते हैं। तो आफ्टर एवरी सिक्स मंथ्स, हर छह महीने बाद इनके डायरेक्शन के अंदर एकदम कंप्लीट रिवर्सल हमें देखने के लिए मिलता है। एकदम कंप्लीट जो डायरेक्शन है, ठीक है, वो एकदम उल्टी इसकी हो जाती है। अभी ये जो मॉनसून आता है भारत के अंदर, ठीक है, इस मॉनसून के, ये सिर्फ भारत के अंदर ही एक्सपीरियंस नहीं किया जाता है, इसके अलावा कई सारे और देश हैं जहाँ पे एक्सपीरियंस किया जाता है, जैसे कि साउथ ईस्टर्न यूएसए है, कैरेबियन आइलैंड्स हैं, मेडागास्कर है, ईस्ट अफ्रीका है, पूर्वी अफ्रीका है, फिर अफ्रीका का गीनिया कोस्ट है, साउथ ईस्ट एशिया है, फिलीपींस है, साउथ ईस्ट चाइना है, साउथ कोरिया है, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया है, इन सभी में ये मॉनसून जो है वो एक्सपीरियंस किया जाता है। मॉनसून क्यों आता है, ठीक है, और सिर्फ ये ही देश जो है विश्व के, वर्ल्ड के, सिर्फ इन्हीं कंट्रीज में ही मॉनसून को क्यों एक्सपीरियंस किया जाता है, ठीक है, और जो दूसरे देश है वहां पे मॉनसून क्यों नहीं आता है। तो इसके लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग थ्योरीज दी हैं। सबसे जो एक इजी कंसेप्ट मॉनसून के लिए दिया गया शुरू में, वो हेले वैज्ञानिक थे, 1686 में इन्होंने थर्मल कंसेप्ट दिया। हालांकि ये थर्मल कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थर्मल कंसेप्ट किससे एसोसिएटेड है, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज, जो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है सेमेस्टर टू के अंदर, आपका फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर, भौतिक भूगोल के अंदर हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। तुम्हारे जमीन से चलने वाली जो ब्रीजेस हैं, हवाएं हैं, और आपके समुद्र से चलने वाली जो हवाएं हैं, ठीक है, इन दोनों हवाओं के बारे में आप लोगों को जैसे डिस्कस किया हुआ है कि जब रात होती है तब हवा की दिशा अलग होती है, और दिन होता है तो हवा की दिशा जो है अलग देखने के लिए मिलती है। यही सी ब्रीज और लैंड ब्रीज है, ठीक है, तो एकदम अपोजिट उस हवा की दिशा के अंदर चेंज हो जाता है सिर्फ दिन और रात से ही। सेम वैसा ही आपको पूरे साल का, पूरे एक साल का अगर हम देखें तो दिशा के अंदर आपको एग्जैक्ट रिवर्सल देखने के लिए मिलेगा, एग्जैक्ट जो है एक परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। कैसा होता है ये आपको एक, ये इंडिया का मैप दिख रहा है, सॉरी वर्ल्ड का मैप दिख रहा है, विश्व का मानचित्र दिख रहा है। तो इस मानचित्र में आप देखेंगे कि जो आपके महाद्वीपीय भाग है, ठीक है, जो भी आपके कॉन्टिनेंट्स हैं, और ये आपके महासागर है, ओशनिक रीजन्स है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि ये वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर इक्वेटर के दोनों तरफ जो ये डॉटेड रीजन है, ये ऐसा रीजन है जहाँ पे आपको मॉनसून का प्रभाव देखने के लिए मिलता है। तो इस रीजन से आपको एक चीज पता चल रही है कि आपके कर्क वृत्त और मकर वृत्त के बीच का ही ये क्षेत्र है, ठीक है, उसके ऊपर आपको ये देखने के लिए नहीं मिलेगा। ट्रॉपिकल और तुम्हारे कैंसर और कैप्रिकॉन की जो लाइन है, ठीक है, उसके ऊपर वाले जो रीजन है वहां पे हमें मॉनसून का प्रभाव देखने के लिए नहीं मिलता है। सिर्फ ये आंतरिक इंटीरियर वाला जो रीजन है, यहीं पे हमें मॉनसून का प्रभाव देखने के लिए मिलता है, सिर्फ इन्हीं देशों में देखने के लिए मिलता है। क्यों, अभी हम ये जो नॉर्थ वाली, ये जो उत्तर वाली इसकी जो लाइन है, ये आप देखोगे
तो आपको ध्यान आएगा कि हमने ITCZ के बारे में पढ़ा था, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या था, हमने हवाएं पढ़ी थी, ठीक है, और प्रेशर बेल्ट्स पढ़े थे, ठीक है, हमने विंड्स और प्रेशर बेल्ट्स पढ़े थे। हवाएं और आपके दबाण के जो पेटियां हैं उनके बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा है आपके भौतिक भूगोल के अंदर सेमेस्टर 2 में। तो उसमें हमने ये देखा था कि हमारे पास कितनी हमें प्रेशर बेल्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। हम उत्तरी गोलार्ध की अगर हम बात करें, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की अगर हम बात करें, तो 3 प्रेशर बेल्ट्स हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, और 3 ही प्रेशर बेल्ट्स जो है, 3 ही दबाण की पेटियां हमें दक्षिणी गोलार्ध के अंदर, यानी कि आपके सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर आपको देखने के लिए मिलती है। तो ये जो बेल्ट्स हैं, आपको याद आ रहा होगा प्रेशर बेल्ट से हमने कौन कौन से विंड्स किए थे, ट्रेड विंड्स थे, वेस्टर्लीज थे और पोलर विंड्स थे आपके, ठीक है। तो जहां पे दो आपके जो हवाएं हैं वो एक दूसरे में जब मर्ज करती हैं, ठीक है, एक दूसरे से जब मिलती हैं, कन्वर्जेंस होता है जहां पे, उसे हम क्या बोलते हैं, ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं भौतिक भूगोल के अंदर, फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर। तो ये वर्ल्ड के मैप में आप देखेंगे कि ये जो नॉर्दर्न, ये जो बाउंड्री दिखा रहा है मानसून रीजन्स की, ये आपका इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन वाला ही रीजन है, ठीक है। क्योंकि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के बारे में जब आपने पढ़ा था, तब आपको एक चीज बताई थी कि इंटर ट्रॉपिकल जो कन्वर्जेंस जोन है वो, क्योंकि पृथ्वी सीधी नहीं है, ये टिल्टेड है, ये झुकी हुई है, एक कोण बनाती है 23.5 डिग्री का, और ये कोण बनने के वजह से, ये 23.5 डिग्री झुके हुए होने के वजह से आपका सूर्य की किरणें जो है एकदम सीधी भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर पर ना पड़ने की बजाय एक बारी आपके कर्क वृत्त पे पड़ती है और एक बारी आपके मकर वृत्त पे सीधी जो है ये सूर्य की किरणें पड़ती हैं। तो ये सूर्य की किरणों का किस तरीके से किस जगह पे पड़ती है, अब हमें पता है जहां पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तापमान वहां पे ज्यादा होगा, और साथ ही साथ एक चीज का और क्या होना जरूरी है, आप महाद्वीप और महासागरों में अगर हम देखें तो महाद्वीप जो होते हैं, कॉन्टिनेंट्स जो होते हैं, वो जल्दी गर्म होते हैं, तापमान वहां पे ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा समुद्र के पानी की तुलना में, क्योंकि पानी जो होता है वो धीरे गर्म होता है और धीरे ही ठंडा होता है, जबकि जमीन जो होती है वो जल्दी गर्म होती है और जल्दी ही ठंडी हो जाती है। तो वहां पे तापमान ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा, और उसी की जगह पे अगर हम बात करें समुद्रों की, तो वो धीरे गर्म होते हैं, पानी है धीरे गर्म हो रहा है, तो वहां पे तापमान आपको कम देखने के लिए मिलेगा। जहां पे तापमान ज्यादा होते हैं वहां पे दबाण क्या होता है, कम दबाण होता है, लो प्रेशर होता है। ये भी हम कहते हैं पहले सेमेस्टर 2 के अंदर हमने भौतिक भूगोल में पढ़ा हुआ है कि जब तापमान ज्यादा होंगे तो दबाण क्या होगा, कम होगा, ठीक है। When temperatures are high, pressures are low. तो ऐसे में अभी हम इंडिया के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि हम इंडियन मॉनसून के ओरिजिन की बात कर रहे हैं, भारतीय मॉनसून की उत्पत्ति कैसे होती है इसकी हम बात कर रहे हैं। तो इसका थर्मल कंसेप्ट हम देखें तो गर्मियों के टाइम में आपके उन्हाड़े में समर सीजन के अंदर क्या होता है कि आपका थार वाला जो पार्ट है, इंडिया का जो थार डेजर्ट है, इंडिया का जो थार जो रण है, ये गर्म हो जाता है, ठीक है। मई के महीने में ये गर्म हो जाएगा, एकदम तापमान यहाँ पे ज्यादा होंगे, ये गर्म होगा तो फिर क्या होगा, आपके प्रेशर जो है, क्योंकि टेम्परेचर्स हाई होंगे इससे प्रेशर्स क्या होंगे, लो होंगे। तो तापमान ज्यादा होगा तो दबाण कम हमें देखने के लिए मिलता है। उसी की जगह में इसका उल्टा, हम समुद्र में जाते हैं, महासागरों की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, पानी जो है धीरे गर्म होता है, भले ही उन्हाड़े का मौसम है, समर वेकेशन है, फिर भी यहाँ पे हम देखते हैं कि आपका जो टेम्परेचर है वो आपको कम देखने के लिए मिलेंगे, तापमान कम देखने के लिए मिलेगा पानी का, और पानी का तापमान कम होगा इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि वहां पे दबाण जो है वो आपके ज्यादा होगा। तो अभी हम देख रहे हैं कि एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया, दबाण का अंतर जो है क्रिएट हो गया। क्यों ये दबाण का अंतर हुआ, आपके ताप विभिन्नता की वजह से, टेम्परेचर
जो है डिफरेंस के वजह से आपको ये देखने के लिए मिलता है कि इसमें पानी जो है वो आपके कम गर्म है और जमीन जो है वो ज्यादा गर्म है, इसीलिए जमीन जो है वहां पे न्यून दबाव है, लो प्रेशर है, और पानी जो है वहां पे आपको हाई प्रेशर देखने के लिए मिलता है। तो ये हाई, यहाँ पे ये लो प्रेशर है और यहाँ पे क्या है आपके हाई प्रेशर है। और हवाएं कैसे चलती हैं, हवाएं आपको हमेशा बताया है, हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। तो इस टाइम पे क्या होगा, क्योंकि समर सीजन के अंदर उन्हाड़े के अंदर यहाँ पे निम्न दबाव है, लो प्रेशर है, और यहाँ पे उच्च दबाव है, इसलिए हवाएं समुद्र से यानी कि अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से आपका ये निम्न दबाव वाला जो क्षेत्र है, या हम बोल सकते हैं कि जो भारत का जो रण प्रदेश है वहां पर ये हवाएं डायरेक्ट होती हैं इस दिशा की तरफ, इन हवाओं का प्रवाह हमें देखने के लिए मिलता है। अब क्योंकि ये हवाएं आपके समुद्र के ऊपर से होकर के जा रही हैं, इसीलिए ये हवा क्या करेगी, और ये हवा के अंदर जो है समुद्र के ऊपर से होकर के जाने की वजह से ये समुद्र में जो भेज है, जो आपके एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी है, उसको ये कैप्चर कर लेगी, ठीक है, और उस एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी को कैप्चर करके वहां पे आपके भारत के अंदर एंटर कर जाएगी। जब ये भारत के अंदर एंटर कर रही है तो वैसे में क्या होगा, वहां पे आगे आपके पहाड़ वगैरह जो है वो आएंगे, ठीक है, और जब ये पहाड़ से ये हवाएं टकराएंगी, जिस हवा के अंदर क्या है मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी है, भेज की मात्रा है, जब ये उससे टकराएगी तो टकराने से क्या होगा, इन हवाओं को ऊपर उठना पड़ेगा। ऊपर उठने से क्या होगा, ये हवाएं ठंडी हो जाएंगी, दस दे विल गेट कूल डाउन। और क्योंकि ये हवाएं ठंडी हो जाएंगी ऊपर उठने के साथ, तो इनकी वाष्पीकरण ग्रहण करने की जो क्षमता है, ये क्षमता इनकी कम हो जाती है, और वाष्पीकरण ग्रहण करने की क्षमता कम होने के वजह से क्या होगा कि ये हवाएं सेचुरेशन लेवल पे पहुंच जाएंगी। ये जो आपके विंड्स हैं ये सेचुरेशन लेवल पे पहुंच जाती है। सेचुरेशन लेवल पे पहुंचने का मतलब क्या है कि एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी कितना होगा, वो 100% हो जाएगा। और एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी जब 100% हो जाती है, तब फिर क्या करती है, इन हवाओं से क्या बनने लग जाएंगे, बादल बनने लग जाएंगे, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, और ये बादल आपके 100% बारिश करेंगे ही करेंगे, बरसात करेंगे। इसीलिए आपका जून 15 जून के बाद या जुलाई अगस्त में मानसून की जो बरसात है पूरे भारत में हमें देखने के लिए मिलती है। मुख्य रूप से हम पूरे विश्व को अगर हम देखें, उसके दृष्टि से हम देखें, तो ये जो निम्न दबाव की स्थिति है, ये जो लो प्रेशर क्रिएट होता है, ये जो हाई टेम्परेचर क्रिएट होता है, ये आपको साइबेरिया का बैकाल लेक और आपके पाकिस्तान का जो पेशावर है, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। एकदम जो लोएस्ट टेम्परेचर हम देखें तो ये यहाँ पे उस टाइम पे क्रिएट होते हैं। उसी की जगह पे हम हाईएस्ट प्रेशर की बात करें, यानी कि सबसे कम तापमान कहाँ पे होता है, तो वो इंडियन ओशन के अंदर, हिंद महासागर और पैसिफिक ओशन के अंदर, ऑलमोस्ट जापान के साउथ के अंदर, जापान के दक्षिण में हम देखें तो यहाँ पे आपको हाईएस्ट प्रेशर देखने के लिए मिलता है, सबसे ज्यादा उच्च दबाव देखने के लिए मिलता है। तो एक हाई प्रेशर यहाँ होगा और एक हाई प्रेशर आपका इंडियन ओशन, हिंद महासागर के अंदर होगा, और लो प्रेशर कहाँ पे होगा, पाकिस्तान के पेशावर में और आपका बैकाल लेक, ठीक है, जो कि साइबेरिया में है। तो इस वजह से इन हवाओं का जो प्रवाह है हमें इस तरीके से देखने के लिए मिलता है। इसलिए हम मानसून की जो चलने वाली पवने हैं ये देखें तो दो स्ट्रीम्स इसके देखने के लिए मिलते हैं, दो ब्रांचेस हमें इसके देखने के लिए मिलते हैं। एक तो इसका ब्रांच है आपका साउथ ईस्टर्ली, साउथ ईस्टर्ली जो है दक्षिणी पूर्वी शाखा, इसके जो दक्षिणी पूर्वी शाखा है वो कहाँ से आती है आपकी, अरब सागर से, अरेबियन सी से, और दूसरी जो शाखा है वो है आपका साउथ वेस्टर्ली, ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी जो इसकी शाखा है देखने के लिए मिलती है। ये जो ब्रांच है साउथ वेस्टर्ली, दक्षिणी पश्चिमी जो इसकी शाखा है, वो बे ऑफ बंगाल से, बंगाल की खाड़ी से इसके जो दिशा है हमें
पश्चिम दिशा के अंदर देखने के लिए मिलती है। तो इस दो शाखाओं के रूप में, क्योंकि दो समुद्र के रूप में बटा हुआ है, लेकिन इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट हम ब्रांच अगर देखें, स्ट्रॉन्गेस्ट शाखा अगर हम देखें, तो साउथ ईस्टर्ली जो है इसकी प्रोमिनेंट डोमिनेंट ब्रांच हमें, मुख्य जो शाखा है वो देखने के लिए मिलती है। तो ये जो हेले ने ये जो कंसेप्ट दिया, हालांकि ये बहुत सही था, काफी कुछ एक्सप्लेन कर रहा था, ये थर्मल कंसेप्ट बेस्ड था, आपके तापीय विभिन्नता की वजह से किस तरीके से मॉनसून की उत्पत्ति होती है वो बता रहा था, लेकिन कई सारी चीजें थी जो कि ये मॉनसून समझाते हुए इसके अंदर छोड़ दिया गया था। सबसे पहला चीज, कॉन्टिनेंट्स का शेप, महाद्वीप जो है सभी महाद्वीपों की शेप अलग अलग है, और शेप अलग अलग होने के वजह से वहां पे कितना दबाव उत्पन्न हो रहा है, लो प्रेशर कितना ज्यादा क्रिएट हो रहा है, या लो प्रेशर किस तरीके से शिफ्ट हो रहा है, निम्न दबाव का किस तरीके से एक जगह से दूसरे जगह पे स्थानांतरण हो रहा है, वो एक्सप्लेनेशन थर्मल कंसेप्ट में इन्होंने नहीं दिया था। उसके अलावा इन्होंने जो बताया उसमें मेजर जो फोकस है वो ओरोग्राफी रेनफॉल के ऊपर दिया। ओरोग्राफी रेनफॉल क्या होता है? पर्वतीय बरसात, कि पर्वतों से के बीच में आने के वजह से जो है मुख्य बरसात हो रही है। उसके अलावा अपर ट्रोपोस्फेयर की हम बात करें, जो हमारा अपर ट्रोपोस्फेयर है, ठीक है, उसमें जो भी एयर सर्कुलेशन हो रहा है उसके बारे में कोई इन्होंने डिस्क्रिप्शन नहीं दिया था। अपर ट्रोपोस्फेयर में कौन सा एयर सर्कुलेशन हो रहा है, हमने पढ़ा हुआ है ये फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर लास्ट सेमेस्टर में, उसमें हो रहा है आपका जेट स्ट्रीम्स, ठीक है। अपर ट्रोपोस्फेयर में मेंडरिंग करती हुई आपको जेट स्ट्रीम्स का फ्लो देखने के लिए मिलता है। तो ये जेट स्ट्रीम्स का क्या प्रभाव पड़ता है, वो किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल है, या उनके बिहेवियर में किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं मॉनसून के टाइम में, ये सब इन्होंने नहीं बताया था। तो इसलिए कई सारे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर इनकी इस थ्योरी को, इनके इस कंसेप्ट को क्रिटिसाइज किया गया, जिसमें पहला जो है वो लो प्रेशर रिलेटेड है, यानी कि निम्न दबाव के जो क्षेत्र उन्होंने बताए महाद्वीपों में, जो इन्होंने क्या क्या कहा कि समर सीजन के अंदर डेवलप होते हैं, उन्हाड़े के अंदर डेवलप होते हैं। तो ये उन्हाड़े के अंदर निम्न दबाव का क्षेत्र हम देखें तो ये स्टेबल नहीं रह सकता, ये स्थिर नहीं रह सकता, ये स्टेशनरी नहीं होता है, ये हमेशा अपनी पोजिशन चेंज करता रहता है, और एक सडन पोजिशनल चेंज हमें देखने के लिए मिलेगा, अचानक उसकी जो स्थिति है उसके अंदर हमें एक परिवर्तन देखने के लिए इसमें मिलता है। तो इसके बारे में इन्होंने पूर्ण रूप से डिस्क्राइब नहीं किया था। फिर दूसरी जो लो प्रेशर रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट इन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया था, निम्न दबाव से संबंधित एक और चीज इन्होंने नहीं बताई, वो ये है कि जो मॉनसून है उसको पूरे कंट्री के अंदर स्टेबलाइज होने के लिए ऑलमोस्ट जून या जुलाई के मंथ में जाके वो स्टेबलाइज होता है। आपके जून या जुलाई के माह में पूर्ण रूप से सभी पूरे भारत के अंदर आपको मॉनसून का प्रभाव देखने के लिए मिलता है, जबकि हम उन्हाड़े के अंदर उच्च तापमान की वजह से जो निम्न दबाव की स्थिति जो उत्पन्न हो रही है, ठीक है, ड्यू टू द हाई टेम्परेचर कंडीशंस ड्यूरिंग द समर सीजन द लो प्रेशर कंडीशंस आर बीइंग डेवलप्ड दैट गेट स्टार्टेड फ्रॉम मंथ ऑफ मार्च, ठीक है, मार्च के लास्ट से या ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं अप्रैल मई के महीने में तापमान इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि निम्न दबाव उत्पन्न होने लग जाता है। तो उस टाइम पे ये जो निम्न दबाव उत्पन्न हो रहा है, ये जो लो प्रेशर कंडीशंस डेवलप हो रही हैं आपके अप्रैल और मई के मंथ में, अप्रैल और मई के महीने में, तो उस टाइम पे मॉनसून क्यों नहीं आया, क्यों ये पूरे कंट्री के अंदर एस्टेब्लिश होने में क्यों इसको जून जुलाई तक का महीना लग जाता है, ये चीज हेडले अपने कंसेप्ट के अंदर एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। दूसरा चीज, एंटी मॉनसून सर्कुलेशन जो डेवलप होता है अपर एयर ट्रोपोस्फेयर के अंदर, ठीक है, उसके बारे में भी इन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था कि ऊपर जो हमारा अपर ट्रोपोस्फेयर है उसके अंदर, क्योंकि नीचे एक आपका मॉनसून का साइक्लोनिक बन रहा है, तो हमें पता है उसके ऊपर जो है एंटी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा, जैसा कि जब हमने कहते साइक्लोन और एंटी साइक्लोन के बारे में पढ़ा था, जब किसी जगह पे चक्रवात आता है तो उसका जो नजदीकी क्षेत्र है वहां पे प्रति चक्रवात की स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। किसी जगह पे इफ अ साइक्लोन गेट्स डेवलप्ड द नियर बाय रीजंस एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस डू गेट डेवलप विद इट, ठीक है। तो ये चीज भी वो इसके अंदर एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ये भी एक
जो है उनके इसमें फ्लॉ रह गया था। तीसरी चीज जो है जो कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम रहता है वो ये कि इन्होंने मेन एक जो फोकस दिया वो सिर्फ ओरोग्राफिक रेनफॉल के ऊपर दिया, पर्वतीय बरसात के ऊपर दिया। इन्होंने कहा कि पर्वत जो है पर्वत श्रृंखला के बीच में एक ऑब्स्टेकल होने के वजह से बीच में एक एक तरीके से बैरियर की तरह उत्पन्न होने के वजह से जो ये हवाएं आएंगी समुद्र से चाहे अरब सागर से या बंगाल की खाड़ी से इनको ऊपर उठना पड़ेगा और बरसात होगी। जबकि हमें पता है मॉनसून जो है इट इज एन अमलगेशन ऑफ कन्वेंशनल रेनफॉल एज वेल एज ओरोग्राफिक एज वेल एज साइक्लोनिक रेनफॉल। तीन टाइप के रेनफॉल पड़े हमने, बरसात तीन प्रकार के बरसात पड़े हैं हमने सेमेस्टर टू के अंदर भौतिक भूगोल के अंदर। तो इन तीनों प्रकार की जो आपकी बरसात है रेनफॉल जो है उसका अमलगेशन हमें इसके अंदर देखने के लिए मिलता है जो कि कन्वेंशनल रेनफॉल है। कन्वेंशनल रेनफॉल कौन सी होती है? तापीय बरसात हमने डिस्कस किया हुआ है, ओरोग्राफिक पर्वतीय बरसात होती है, साइक्लोनिक रेनफॉल होती है, ठीक है चक्रवातीय बरसात होती है। इन तीनों का अमलगेशन हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। फिर एक और प्रॉब्लम इनके कंसेप्ट में जो आती है कि ये मेजर जब मानसून का जब क्लाइमेट जब बताया जा रहा है तो हम इंडिया को सिर्फ दो सीजन्स के अंदर ही मेजर फोकस कर रहे हैं, इसके अंदर समर सीजन और विंटर सीजन, ठीक है। जबकि हमें पता है यहाँ पे ऑलमोस्ट फोर सीजन्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, तो ये चारों सीजन पूर्ण रूप से इसके अंदर एक्सप्लेन नहीं किए गए थे। फिर हेडले एक और चीज जो है एक और कंसेप्ट को इसके अंदर इंक्लूड करना भूल गए, वो था कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल आप लोगों को जैसे बताया है कि पृथ्वी अपनी धुरी के ऊपर घूर्णन कर रही है, ठीक है, अर्थ इज रोटेटिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस एंड ड्यू टू दैट रोटेशन द विंड्स टेंड्स टू मूव टूवर्ड्स द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वेयर एज इट टेंड्स टू मूव टूवर्ड्स द लेफ्ट डायरेक्शन इन द सदर्न हेमिस्फीयर। हमने बताया हुआ है कि कैसे कोरियोलिस बल के वजह से हवाएं जो हैं पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में किस दिशा के अंदर वो घूम जाती है, वो राइट एंड साइड के अंदर उनका डिफ्लेक्शन हो जाता है, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में दक्षिणी गोलार्ध में उनका डिफ्लेक्शन हमें लेफ्ट एंड साइड में देखने के लिए मिलता है। तो ये जो राइट और लेफ्ट में जो विंड्स का जो डिफ्लेक्शन हो रहा है इसके बारे में भी उन्होंने इसके अंदर डिस्क्राइब नहीं किया था। फिर लेटेंट हीट का जो कंसेप्ट है, ठीक है, कि कैसे जो हवाएं पूर्ण रूप से उसके अंदर जो 100% मॉइस्चर जो डेवलप होता है, ठीक है, 100% एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी की जो सिचुएशन आती है रेनफॉल करने के लिए उसको भी इसके अंदर इन्होंने पूर्ण रूप से एक्सप्लेन नहीं किया था। तो एक तो इसके अंदर हमने वो डिस्कस कर लिया कि कैसे लो प्रेशर जब क्रिएट होगा तो लो प्रेशर क्रिएट होने से कैसे हवाएं चलेंगी और कैसे मॉनसून डेवलप होता है थर्मल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, तापीय जो आपका कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग, तापीय विभिन्नता का ये जो परिसंकल्पना है उसके अकॉर्डिंग। इसी का अपोजिट हम देखते हैं विंटर सीजन के अंदर, शाड़े के अंदर क्या स्थिति होगी। अभी शाड़े के अंदर विंटर सीजन के अंदर क्या होता है कि ये ही जो पेशावर और हमने बात की थी पाकिस्तान का पेशावर और साइबेरिया का जो बेका लेक है, ठीक है, ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है क्योंकि जमीन है। तो जमीन हमने क्या कहा था, जमीन की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या लाक्षणिकता है, क्या फीचर है आपका लैंड का कि वो जल्दी गर्म होता है और जल्दी ही ठंडा हो जाता है। तो अब ये जब ठंडा होगा तो इससे क्या होगा, यहाँ पे लो टेम्परेचर्स होंगे और लो टेम्परेचर का अर्थ क्या है, हाई प्रेशर्स डेवलप हो जाएंगे। उसी का उल्टा हम देखते हैं समुद्र के अंदर, यानी कि हम बात करते हैं अरब सागर की, बंगाल की खाड़ी की, या हमारे हिंद महासागर की, या हमारे पैसिफिक ओशन की। तो यहाँ पे क्या होता है, पानी है और पानी धीरे गर्म होता है और धीरे ही ठंडा होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि पानी अभी उतना ठंडा नहीं होगा, तो पानी का तापमान जो है, ठीक है, वाटर का टेम्परेचर हम देखें इन कंपेरिजन टू लैंड, तो दैट वुड बी हायर, दैट वुड बी मोर। दैट्स वाई यहाँ पे क्या प्रेशर, कौन सा प्रेशर डेवलप होगा, यहाँ पे आपका लो प्रेशर डेवलप हो जाएगा। तो अब हवाएं कैसे चलने लगेंगी, हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाओं का मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा, यानी कि विंटर सीजन के अंदर एग्जैक्ट अपोजिट जो है रिवर्सल जो है विंड्स का हमें देखने के लिए मिल रहा है और हवाएं अब जमीन से
आपका समुद्र की तरफ चलने लग जाएंगे। और जब हवाएं विंटर सीजन के अंदर शाड़े के मौसम के अंदर जमीन से समुद्र की तरफ जब चलती हैं, इस डायरेक्शन के अंदर जब इसका मूवमेंट होता है, तो हवा जब जमीन के ऊपर से जा रही है तो ऑब्वियसली देयर इज नो सोर्स ऑफ ह्यूमिडिटी, ठीक है, आपका भेज ग्रहण करने का कोई स्रोत नहीं है हवाओं के पास, इसलिए ये हवाएं क्या होंगी, सूखी होंगी। इसीलिए ये हवाएं बरसात नहीं करती हैं या रेनफॉल इसमें हमें देखने के लिए नहीं मिलता। तो ये एक कैसे विंटर के अंदर आपका सर्दियों के अंदर किस तरीके से हवा का प्रभाव हो रहा है, विंड्स का क्या मूवमेंट रहता है विंटर सीजन के अंदर, ऐसे ही आपका उन्हाड़े के अंदर समर सीजन के अंदर आपका किस तरीके से विंड्स का मूवमेंट होता है वो हमें एक्सप्लेन किया हेडलैंड ने। अब हम आते हैं अगले कंसेप्ट के ऊपर जो कि फ्लोर ने दिया। फ्लोर ने जो कंसेप्ट दिया इसमें मेजर फोकस इन्होंने किया ITCZ के ऊपर, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के ऊपर। इसके लिए जरूरी है कि पहले आपको पता हो कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन आप पढ़ चुके हो, फिर भी आप लोगों को रिमाइंड करवा देती हूँ मैं। इसके अंदर ये आप लोगों को दिख रहा है, ये पृथ्वी है, ठीक है, ये जो 0 डिग्री वाला होता है, भूमध्य रेखा वाला जो क्षेत्र होता है, इसको हम इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बोलते हैं, या फिर आपका जो है ITCZ हम इसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो हवाएं जो है वो आकर के मिल रही हैं, दो हवाओं का कन्वर्जेंस हो रहा है। कौन कौन सी है इसमें? एक तो नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स है, उत्तरी पूर्वीय आपके ट्रेड विंड्स हैं, इसके अलावा साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स हैं, दक्षिणी पूर्वी जो ट्रेड विंड्स हैं वो आपको देखने व्यापारिक पवने हैं, ठीक है। तो ये है उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवने, ये है दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने। तो ये दोनों व्यापारिक पवने इस क्षेत्र के अंदर जब मिलती हैं तो इसको हम बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अभी हम एक अंतर देखेंगे, ये ब्लू कलर का जो लाइन है ये क्या शो कर रहा है, ये ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बता रहा है, और वहीं पे ये जो ग्रीन कलर का जो लाइन है ये आपको बता रहा है भूमध्य रेखा की स्थिति यानी कि इक्वेटर की। तो इन दोनों के बीच में हम देखें तो कुछ लैटिट्यूड्स का डिफरेंस हमें देखने के लिए मिलता है। कितना होता है ये, अगर आप रिकॉल करेंगे, याद करेंगे सेमेस्टर 2 में जो हमने पढ़ा था, 5 डिग्रीज तक का हमें ये डिफरेंस यहाँ पे देखने के लिए मिलता है इन दोनों विंड्स के मर्ज होने की वजह से। क्योंकि ये दोनों हवाएं दोनों व्यापारिक पवने यहाँ पे मर्ज हो रही हैं, एक दूसरे से मिल रही हैं, इसलिए यहाँ पे लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाता है, निम्न दबाण का एक क्षेत्र जो है वो विकसित हो जाता है। तो ये जो निम्न दबाण का जो क्षेत्र है इसे हम डोल ड्रम्स भी बोलते हैं, ये भी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये अभी यहाँ पे क्या चीज फोकस करने की जरूरत है, क्या चीज अपने दिमाग में रखने की जरूरत है कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है ITCZ जो है वो पृथ्वी के ऊपर कहीं पे भी स्थिर नहीं है, कहीं पे भी फिक्स नहीं है। ये कहाँ पे मिलेगी ITCZ? जहां पे भी लो प्रेशर क्रिएट होगा ड्यू टू द कन्वर्जेंस ऑफ दीज टू विंड्स, मीन्स नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड एंड साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड, इन दोनों हवाओं के मर्ज होने से जहां पे भी निम्न दबाण की लो प्रेशर की स्थिति उत्पन्न होती है, ठीक है, उसको हम ITCZ बोलते हैं। अब हमें पता है कि यहाँ पे जैसे आपको इस पिक्चर के अंदर देखो तो पृथ्वी एकदम सीधी दिख रही है, लेकिन हमें पता है पृथ्वी सीधी नहीं है, पृथ्वी जो है वो टिल्टेड है, झुकी हुई है। अब झुकी हुई होने के वजह से सूर्य की किरणें एकदम सीधी भूमध्य रेखा पर तो नहीं मिलती है, एक साल के कहते हैं 6 महीने जो है सीधी किरणें आपको देखने के लिए मिलेंगी तुम्हारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, और दूसरे टाइम जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर, कर्क व्रत के ऊपर और मकर व्रत के ऊपर ये सीधी गिरती हैं। तो इसमें 21 जून को, ठीक है, 21 जून वाली जो स्थिति देखें, जबकि हम अब यहाँ पे बात कर रहे हैं आपके उत्तरी गोलार्ध की। क्यों उत्तरी गोलार्ध की हम बात कर रहे हैं, क्यों हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं? क्योंकि अर्थ जो है, ठीक है, अर्थ पे आपका भारत की स्थिति हम देखें, इंडिया जो लोकेटेड है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर उत्तरी गोलार्ध के अंदर स्थित है।
तो यहाँ पे हम देखते हैं उत्तरी गोलार्ध में, हम देखते हैं अगर तो उत्तरी गोलार्ध में 21 जून जो होता है, 21 जून के टाइम पे सूर्य की किरणें आपके सीधी उत्तरी गोलार्ध के अंदर पड़ने के वजह से ये ITCZ शिफ्ट हो जाती है उत्तर की तरफ, जो है इसका एक शिफ्ट हमें देखने के लिए मिलता है। ये यहाँ पे आपको ये मैप दिख रहा है वर्ल्ड का, इसमें आप देखोगे कि ये जो डॉटेड लाइन है, ठीक है, ये डॉटेड लाइन शो कर रहा है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन की स्थिति जुलाई के महीने में, और ये जो कहते हैं रेगुलर जो सॉलिड लाइन है ये ITCZ दिखा रहा है आपका जनवरी के अंदर। अभी आप लोगों को ये लग रहा होगा कि ITCZ अभी तक जो हम देख रहे थे एकदम ऐसे स्ट्रेट लाइन के अंदर देख रहे थे, यहाँ पे ये स्ट्रेट तो नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं। तो मैंने तुम्हें बोला था एक चीज ध्यान रखनी है, ITCZ जो है वो रेगुलर लाइन नहीं है, ITCZ वहां पे मिलेगी जहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्ली एंड साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स का कन्वर्जेंस होने से लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो लो प्रेशर कहाँ पे क्रिएट होगा, तो ये कॉन्टिनेंट्स और ओशन के लोकेशन के वजह से, महाद्वीप अने महासागरियों की स्थिति में विभिन्नता के वजह से अलग जगह पे आपको देखने के लिए मिलता है। जैसे कि अभी हम यहाँ पे देखते हैं तो ये पैसिफिक ओशन है, अभी पैसिफिक ओशन क्योंकि बहुत बड़ा है, पैसिफिक महासागर बहुत बड़ा होने के वजह से ऑलमोस्ट हम जुलाई की और जनवरी के दोनों माह के अंदर हम देखें ITCZ की जो स्थिति है जुलाई और जनवरी के मंथ में ऑलमोस्ट सेम हमें देखने के लिए मिलती है। और जैसे ही हम कॉन्टिनेंट में जाते हैं, महाद्वीप में जाते हैं, जैसे कि ये साउथ अमेरिका में आप देखोगे कि जुलाई का जो है वो काफी नॉर्थवर्ड है और जनवरी वाला जो है काफी साउथवर्ड आपको देखने के लिए मिलता है। सिमिलरली आप अफ्रीका के अंदर देखोगे, सिमिलरली इंडिया के अंदर देखोगे। अभी हम क्योंकि इंडियन मॉनसून की बात कर रहे हैं तो मेजर फोकस हम इंडिया के ऊपर करते हैं। यहाँ पे आप देखो कि ITCZ की क्या सिचुएशन है, ITCZ की स्थिति हमें कहाँ देखने के लिए मिलती है, हमें उत्तरी भारत के अंदर नॉर्थ ऑफ जो इंडिया है वहां पे हमें ITCZ की लोकेशन देखने के लिए मिलती है जुलाई के महीने में। जबकि हम जनवरी के महीने में बात करें, यानी कि जुलाई ये कौन सा आ गया आपका मॉनसून वाला, और जनवरी की हम बात करें यानी कि विंटर सीजन की बात करें, तो ITCZ शिफ्ट होकर के कहाँ पे आ जा रही है, ये शिफ्ट होकर के आपका इंडियन ओशन के अंदर, हिंद महासागर के अंदर ये शिफ्ट हो जाती है। तो ये जो शिफ्टिंग होता है ITCZ का समर सीजन के अंदर और विंटर सीजन के अंदर, इस शिफ्ट के वजह से अभी हवाएं भी शिफ्ट होंगी, क्योंकि अभी आपने जैसे इसके अंदर देखा था कि ये नॉर्थ ईस्टर्ली कैसे चल रही है, ये हवा इस यहाँ से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर चल रही है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आ रही है इस तरफ। तो जब ये ITCZ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती है, यानी कि अभी ये यहाँ है, यहाँ से शिफ्ट होकर के ये यहाँ पे आ जाती है, तो अभी ये वाला जो एरिया है यहाँ पे हवा कैसे चलने लगेगी, यहाँ पे हवा आपके इस तरीके से चलने लगेगी, यानी कि साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन से चलने लगेगी। और साउथ ईस्ट से चलेगी तो साउथ ईस्ट में क्या है, इंडिया के साउथ ईस्ट में क्या है, ओशन है, समुद्र है, ठीक है, और इसका मतलब ये हवाएं समुद्र से जमीन की तरफ चलेंगी, और जब ये हवाएं समुद्र से जमीन की तरफ चलेंगी तो अभी हवा भेज ग्रहण कर लेगी, इनके अंदर ह्यूमिडिटी एब्जॉर्ब कर लेगी ये हवाएं, और ये हवाएं जाकर के रेनफॉल करेंगी, बारिश करेंगी और मॉनसून आपके आ जाता है। इसी की जगह पे जनवरी में क्या सिचुएशन है, जनवरी के माह में हमने क्या देखा, ITCZ जो है वो 0 डिग्री से भी नीचे यहाँ पे आ जाती है। अभी ITCZ का जब ये लोकेशन हो जाएगा, इसका मतलब ये वाले पार्ट को अगर हम देखें तो यहाँ पे हवा कैसे चलेगी, यहाँ पे हवा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से चलेगी। नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या है आपका, नॉर्थ ईस्ट में भारत के नॉर्थ ईस्ट में क्या है, भारत के नॉर्थ ईस्ट में तो लैंड है, जमीन है, तो ये हवाएं कहाँ से कहाँ चलेगी, ये जमीन से पानी की तरफ, समुद्र की तरफ चलेंगी। और जब हवाएं जमीन से समुद्र की तरफ चलती हैं तो हवा सूखी होगी, क्योंकि अभी जमीन है, जमीन के ऊपर तो कोई मॉइस्चर का सोर्स नहीं है, कोई भी भेज ग्रहण करने का कोई स्रोत नहीं है, इसलिए हवाएं क्या होती हैं यहाँ पे, सूखी होती हैं। तो ये रीजन है कि आपको क्यों जो है इंडिया के अंदर हमें
मॉनसून देखने के लिए मिलता है। तो जो फोन ने जो कंसेप्ट एक्सप्लेन किया, मेजर जो फोकस था इनका ITCZ के ऊपर था, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के ऊपर दिया कि कैसे 21 जून को जब समर सोलस्टिस होता है तब ITCZ जो है वो काफी नॉर्थवर्ड अराउंड 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड 30 डिग्री उत्तरी जो अक्षांश है वो स्थिति ले लेती है। इस वजह से हवाएं जो है वो आपके साउथ वेस्टर्ली Thank you.